हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मेरा नाम है गोविंद सोनी और आ चुका हूँ आपके लिए क्रिकेट का वीडियो लेके। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। रियल क्रिकेट 20 यानी 2020 में ये गेम आने वाला है, तो इसका मैंने एक ट्रेलर बनाया है, नया स्कोर बोर्ड और कुछ इसमें नई कॉमेंट्री एड की है। तो यार जितना हो सके उतना पूरा जरूर देखने देना, और यार इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। लाइक कायम रख रहा हूँ, केवल 300 लाइक जल्दी से पूरे कर देना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये ऑफिशियल नहीं है। पहला रन बोर्ड के ऊपर और रोहित शर्मा ने अपना खाता एक बाउंड्री के साथ खोला। यह है रोहित शर्मा की क्लास, जिसके बारे में आशीष पहले भी बात कर रहे थे कि शुरू में आपने इनको फंसा लिया तो फंसा लिया, एक बार इनका फर्मा सेट हो जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। थोड़ी टांग की तरफ और उसका भरपूर फायदा उठाया रोहित शर्मा ने। छोटी टांग से खेलते हैं, कमाल का ये बल्लेबाज, कोई भी खराब गेंद बिल्कुल छोड़ते नहीं है। ये चले रोहित शर्मा, इस बार कवर के सर के ऊपर से बिल्कुल ऊपर गेंद, कॉटरेल द्वारा और उसका भरपूर फायदा उठाया रोहित शर्मा ने। कमाल का ये खिलाड़ी और कमाल का ये स्ट्रोक, कल भी इसी तरीके का स्ट्रोक लगाया था विवेक। मिड ऑफ के ऊपर से इस बार अब नहीं रुकने वाले रोहित शर्मा, अगर इस लाइन और इस लेंथ पे गेंदबाजी होगी। बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल शिखर धवन द्वारा और गेंद पहुंची बाउंड्री तक 39 बिना नुकसान। बल्लेबाज को पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद को दे मारा बाउंड्री के उस पार, पहला बड़ा हिट इस इनिंग का। और गेंद थी जो अमूमन किमोपॉल करते हैं और फ्लिक ऑफ द रिस्ट, जो बॉडी वेट जो ट्रांसफर बोलते हैं, पीछे वाला पैर उठा के बिल्कुल टाइमिंग के साथ 6 रन के लिए। ये देखिए सेट होने के बाद किस तरह के शॉट्स खेलते हैं और कितनी आसानी से खेलते हैं। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए इस साझेदारी का। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास और सफल भी हुए, 6 रन। 6 गए, देखिए, और ये छक्का मार दिया और इसी के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया उन्होंने, क्रिस गेल के आगे निकल चुके छक्के मारने में। तो भाई लोगों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना दोस्तों। और दोस्तों अभी आप यानी कि रियल क्रिकेट 20 गेम लाना चाहते हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट करना होगा। जैसे ही 2020 में ये गेम आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।